नमस्कार, एलएनबी टीवी में आपका स्वागत है और आइए डालते हैं मुख्य समाचारों पर एक नजर। जन्मेजय शरण जी रसिक पीठाधीश्वर के मुखारविंद से कथा रूपी अमृत का पान कर रहे हैं भक्त। एलएनबी टीवी के धर्म और अध्यात्म के समाचारों में आपका स्वागत है। रसिक पीठाधीश्वर तथा श्री राम जन्मभूमि मंदिर न्यास समिति के अध्यक्ष जन्मेजय शरण जी के मुखारविंद से कथा रूपी अमृत का पान हजारों भक्त कर रहे हैं। सोपान कहते हैं सीढ़ी को, स्टेज पर चढ़ने के लिए, मंच पर चढ़ने के लिए जो सीढ़ियां बनाई गई हैं, स्वर्ग की नशेड़ी श्री रामचरित्र मानस है। स्वर्ग में जिन प्राणियों को जाना है वो कलयुग में श्री रामचरित्र मानस का अवलंब ले ले। ये सात कांड जो है, बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्कंधा कांड, सुंदर कांड है ना, लंका कांड, उत्तर कांड, ये सात कांड स्वर्ग में जाने की सात नशेनी, सात सीढ़ियां हैं। हेमा रुचिर सप्त सोपाना, भगवान श्री राम जी के बांगमय विग्रह का द्योतक श्री रामचरित्र मानस है। कौन कांड किस अंग के प्रतीक है? बाल कांड प्रभु पाए, बाल कांड भगवान के श्री चरण है। बाल कांड प्रभु पाए, अयोध्या कटि मन मोहे, उदर बन्यो आरण्य हृदय किस किंदा सोए, सुंदर ग्रीव मुखार बिंद लंका कई गायो, जय महारावण आदि निशाचर सकल समायो, मस्तक उत्तर कांड विधि तुलसीदास बनु, आदि अंत लौ देखिए श्री मन मानस राम तनु। श्री राम जी का ही बांग में विग्रह श्री रामचरित्र मानस है, जीवन की व्यथा को मिटाने वाली है, इसीलिए हम भगवान की कथा श्रवण करते हैं। श्री रामचरित्र मानस ये सामान्य पुस्तक नहीं है, ध्यान देना। ये पुस्तक से उस तक नहीं पहुंचा जा सकता है, ये वो ग्रंथ है रामचरित्रमानस, जिसको अवलंब बनाकर प्राणी उस तक पहुंच सकता है, वो ग्रंथ है मानस। श्री रामचरित्रमानस में नौ वट है, नौ अक्षर हैं श्री रामचरित्रमानस। इसके दो स्तंभ हैं, एक आदर्श नायक चरित्र नायक भगवान श्री राम जी का, और दूसरी वो रावण का स्तंभ चरित्र से जो समूल नष्ट हुआ हो उसका नाम, उसका स्तंभ। ये दो स्तंभ मानस के हैं। रिजल्ट 9 लाख वर्ष हो गए श्री राम जी को, आज भी हम आप चैत्र के रामनवमी के दिन 11 बजे से ही आरती सजाकर, पूजन की थाल सजाकर श्री राम जी के आगमन की बाट जोते रहते हैं। और जैसे 12 बजता है, भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के रूप में भगवान का आगमन की स्तुति गान करते हैं, बाट जोते रहते हैं। मध्य दिवस अतिशीतन गामा, पावन काल लोक विश्रामा, इसकी जो है चिंतन करके भगवान के आगमन की आरती और स्तुति गान करते हैं। तरु की छाया दुख भय दूर, निकट जो आया दुख भय दूर, निकट जो स्वर्गाकार सरोवर के साथ उपमा दे रहे हैं। मानस की सोटी सुंदर संवाद पर
बिरजे बुद्धि विचारी ते यही पाप। चर्चा है श्री राम चरित्र मानस, श्री राम और मानस के मध्य में चरित्र को गोस्वामी जी ने रखा। दमोह के देव जटाशंकर धाम मंदिर प्रांगण में आयोजित कथा रूपी अमृत का पान करने में हजारों भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। यह थे अब तक के मुख्य समाचार, कल फिर मिलेंगे नए समाचारों के साथ। नमस्कार।